क्वेश्चन नंबर टू क्या है, हमें इसमें क्या क्या करना है, एक द्विघात बहुपद, ठीक है। हमें क्या दिया है, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, हमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। द्विघात बहुपद होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है, इनका यूज करके। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, शून्य अंक। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकाले थे ना, अल्फा और बीटा क्या है, शून्य अंक, ठीक है। देखो कैसे याद करते हैं, क्या दिया गया है हमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, कितना है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखो ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4, कितना है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस 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 का 1, ठीक है। अपॉन में क्या आया हुआ है, 4, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन है 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हर का 4 गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। देखो एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। देखो ये 4 से 4 डिवाइड, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस का x, माइनस x, और फिर माइनस 4 on the 4, यही हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है। समझ में, हमें क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया वो रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया वो रख देंगे, ठीक है, समझ में आएगा। और फिर यहाँ अपॉन में 4 है, इसलिए हम 4 गायब करने के लिए हम पूरी क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारी क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। समझ में आया, सवाल सेकंड सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा कितना दिया है, अंडर रूट 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3, क्या दिया है, 1/3। देखो फॉर्मूला में पता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा कितना है, अंडर रूट 2 फिर इंटू में x प्लस अल्फा और बीटा कितना है, 1/3, 1/3। अब देखो ब्रैकेट से ओपन कर लेंगे, इसकी गुणा इससे होगी तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 1/3, इसमें भी अपॉन में 3 आया ना, इस 3 को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, इससे गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 2x हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 3 अपॉन में 1/3, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये क्या क्या हमारा, द्विघात बहुपद, ठीक है। दिया क्या था हमें, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2, अल्फा इंटू बीटा 1/3, हमने x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला यूज किया, जहां अल्फा बीटा था वहां अल्फा बीटा का मान रख दिया, जहां अल्फा इंटू बीटा था वहां अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया, और इक्वेशन सॉल्व कर लिया, हमें क्या मिल गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। थर्ड सवाल क्या,
हमें द्विघात को ऊपर ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दिया क्या क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा बीटा इसमें कितना दिया, जीरो जीरो, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अंडर रूट फाइव, कितना दिया, अंडर रूट फाइव। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, जीरो, गुणे में एक्स, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अंडर रूट फाइव, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कितना हो जाएगा, ये जीरो, तो जीरो हो गया, ये बचा ना प्लस अंडर रूट फाइव, ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद, ये क्या होगा हमारा, द्विघात बहुपद बस फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, वन, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, वन। फॉर्मूला में पता है, मान रख देते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर फाइव में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, माइनस वन बाई फोर, फोर, ठीक है। और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन बाई फोर, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, वन बाई फोर, शून्यांकों का योग माइनस एक बटे चार, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, एक बटे चार। सूत्र पता ना द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का वन बाई फोर इंटू एक्स प्लस, ये कितना है, वन बाई फोर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा, वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर, जो अपॉन में क्या आ गया, फोर, फोर अपॉन का फोर गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये फोर से फोर कैंसिल, ये फोर से फोर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 4x स्क्वायर, क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये तो 1 हो गया, 1 की गुणा x से तो x, ठीक है, ये कितना आया, 1 प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल में हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4, 4 अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4, अल्फा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1, 1, शून्यांकों का गुणनफल 1 और शून्यांकों का योगफल 4, अब इनका मान हम रख देंगे, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 गुणे में x, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 4x प्लस प्लस 1, यहां क्या मान देगा, ठीक।